शांति द्वापर कलयुग दो तो युगों तक माया रावण के राज्य में हम आत्माएं नीचे गिरी पतित बनती आई पवित्र पौधे अपवित्र बन गए ऐसे अपवित्र पौधों को शिव बाबा आकर पवित्रता की बूंदों से फिर से खुशबूदार फूल बनाते हैं और हमें नई दुनिया में जाने के योग्य बना देते हैं आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 जुलाई 2024 के मधुर महावाक्यों को माया रावण के संग में आने का क्या परिणाम हुआ भटक गए अपवित्र बन गए शिवालय में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है विकारों को निकालना वैश्यालय से दिल हटाना शूद्रों के संग से किनारा करना हमें अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है हम क्या थे किसके बच्चे थे ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था उस बाप को ही हम भूल गए रावण आया इतनी फॉगी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया राज्य भाग्य दिया वही बच्चे मेरी ग्लानी करने लगे रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया विकार में गिरने का क्या परिणाम हुआ पतित बन गए बाप को गाली देने लगे भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं ये याद रहने से क्या होगा बुद्धि में ज्ञान होगा औरों को आप समान बनाएंगे पढ़ाई रेगुलर न पढ़ने का क्या परिणाम होगा ज्ञान की धारणा नहीं होगी गिर पड़ेंगे पाई पैसे का पद पाएंगे पुरुषार्थ कैसा करना है विजयमाला में आने का दिल में कौन सी जांच करनी है आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं सबसे पुराने ते पुराना और नए से नया कौन है श्री कृष्ण अंदर में कौन सी स्मृति आनी चाहिए हम जिस राज्य में थे वह अब फिर से पा रहे हैं सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है दुखी आत्माओं को खुशी देना अनुभवी आत्मा की विशेषता क्या है कभी धोखा नहीं खाती सदा विजयी रहती शिव बाबा संगमयुग में आकर क्या करते हैं पढ़ाते बेड़ा पार करते राज्य भाग्य देते वापिस ले जाते राजयोग सिखाते सतो प्रधान बनाते भक्ति का फल देते वैश्यालय से निकालते विश्व का मालिक बनाते रोज फर्स्ट क्लास पॉइंट्स सुनाते क्या होने से क्या होता है थोड़ा भी सुनने से प्रजा में आ जाते शरीर समझने से ज्ञान उठा नहीं सकते कुसंग में जाने से सत का संग भूल जाते दे अभिमान में आने से पद भ्रष्ट हो जाता दुनिया के एक्यूरेट पुराने होने से बाप आते विकारों को निकालने से शिवालय में जाते क्रिमिनलिटी होने से सौ गुना पाप चढ़ जाता थोड़ा भी अहंकार आने से सत्यानाश कर लेते देवता बन जाने से नॉलेज की दरकार नहीं रहती रावण के आने से हम रचता और रचना को भूल जाते भगवान को पत्थर ठिक्कर में डालने से वह नहीं मिलता हमें किन बातों की धारणा करनी है क्रोध नहीं करना है अहंकार में नहीं आना है वैश्याल से दिल हटाते जाना है ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है मिला हुआ ज्ञान का ख़जाना सबको बांटना है पांच विकारों की बीमारी को सर्जन से छिपाना नहीं है जो बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है ये थी आज की मुरली की विशेष बातें जिन महावाक्यों में बाबा ने हमें क्रोध और अहंकार रूपी मुख्य भूत को अंदर से निकालने की आज शिक्षा दी है इन विकारों को भगाने से ही हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन ऊंच पद की प्राप्ति कर सकती हैं ओम शांति